नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव परतापुर में नवविवाहिता की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हो गई। भाई धर्मपाल ने अपनी बहन की मृत्यु होने की सूचना थाना पुलिस को दी। वहां पर तहरीर दी, उसने बताया कि मैंने अपनी बहन ऋतु की शादी 1.5 वर्ष पूर्व पवन पुत्र हरिनंदन के साथ की थी। प्रसव पीड़ा होने पर मेरे बहनोई द्वारा लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से माया हॉस्पिटल ले गए। माया हॉस्पिटल से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां मेरी बहन का इलाज सही तरीके से नहीं हुआ। इसी को देखते हुए मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम कराना चाह रहा हूं। इसलिए मैं थाने में तहरीर दी है, जिस पर मेरे बहनोई पवन व उसकी माँ का कहना है कि मैंने काफ़ी इलाज कराया लेकिन मेरी बहू नहीं बची। ससुरालियों ने बेटी का इलाज न कराने का आरोप लगाया है कि इसी में मेरी बहन ऋतु की मृत्यु हो गई। माँ सावित्री पत्नी श्याम बिहारी ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी ऋतु का इलाज नहीं कराया गया, इससे उसकी मौत हो गई। साले धर्मपाल ने अपने बहनोई पवन के खिलाफ थाने में तहरीर SI सुरजीत के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार चौबे बताते हैं कि तहरीर मिल गई है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। अयोध्या जनपद के सुल्तानपुर हाईवे पर ब्रह्म बाबा के समीप एक नए हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक उमेश चौधरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर हॉस्पिटल की तरफ से पूरे अगस्त माह में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर अशोक मौर्य ने बताया कि देश में इस माह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सब भाग लेते हुए हॉस्पिटल की तरफ से अगस्त माह में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। इसमें शिविर के पहले दिन करीब 200 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया, साथ ही 140 मरीजों ने निःशुल्क जांच, जिसमें शुगर LST के FT आदि जांच कराई गई। चिकित्सक ने बताया कि हमारे अस्पतालों में जनता की सेवा हेतु 24 घंटे इमरजेंसी सेवा खुली है। वहीं वर्तमान में अस्पताल ने केवल 5 मरीजों को भर्ती करने की स्वका शुरू की है। फिलहाल अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं लेकर लेकिन 2-4 महीनों में गंभीर मरीजों का मेजर ऑपरेशन किया जाएगा। जी, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे आप क्या सर? यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। अभी हमारे पास तो और टीम नहीं तैयार हो पाई है और हम लोगों ने मिलकर 3-4 डॉक्टर मिलकर सिटी में हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि गरीब तबके जो मजलूम लोग हैं उनको हम सस्ते से सस्ता इलाज करेंगे और सारी फैसिलिटी जैसे हमारे यहाँ लाइफ की फैसिलिटी है और IPD भी है, OPD भी है और कुछ प्राइवेट वार्ड भी हमने रखे हैं और OT का डिपार्टमेंट अभी तैयार नहीं है, आने वाले समय में 1-2 महीने में अभी तैयार है। क्या प्रोग्राम कटा आर के प्रजापति जनरल मेरे OPD आउट पेशेंट डोर की व्यवस्था कर रहे हैं और 5 बेड पर IPD इन पेशेंट डोर व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इंटेंसिव केयर या कोई ऑपरेशन ये सब की व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। अभी हर तरह के सांस के मरीज हुए, शुगर के मरीज हुए, थायराइड के मरीज हुए या जो नसों में दर्द होता है, इन सब के लिए हर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
और इनका परामर्श लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने प्लान किया है आज क्योंकि पहला दिन था ओपीडी कैसे नहीं काम कर सकते यहाँ के लिए। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चुरमिरी, भरतपुर को संयुक्त जिला घोषित किए जाने के बाद से ये स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि जिला मुख्यालय कहां बनेगा। चुरमिरी क्षेत्र में जिला मुख्यालय बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। चुरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्थगित आंदोलन ने 2 अगस्त से फिर जोर पकड़ लिया है। जिला मुख्यालय बनाओ की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पहले की तरह फिर से शुरू कर दी है, जिसमें आज लक्ष्मण प्रसाद बत्रीनाथ ने इस क्रमिक भूख हड़ताल में बैठकर फिर इसकी शुरुआत कर दी है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चुरमिरी के पक्ष में जल्द से जल्द कोई जिला मुख्यालय व अन्य कार्यालय के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है, तो उस स्थिति में आगामी 13 अगस्त से मंच के सदस्य आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय ले चुके हैं। इस संबंध में संस्था से जुड़े शेख इमाइल एवं पूर्व नगर पालिका निगम चुरमिरी की पार्षद रेशमा त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं, जिन्हें जनता की फिक्र नहीं है, मजबूरन जनता को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है और जब तक यहाँ कार्यालय नहीं खुलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक चिरमिरी में जिला मुख्यालय कार्यालय खोला जाएगा ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र की जनता ने छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पैदल चलकर अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन पिछले एक वर्षों से कोरोना के चलते प्रशासन के आदेश के अनुसार ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पुनः प्रशासन की अनुमति से यहां की जनता की मांग को लेकर फिर एक बार क्रमिक भूख हड़ताल जारी कर दी गई है, जो कि 12 अगस्त तक समय सरकार के सामने यहाँ की मांग को लेकर स्थिति साफ करने के लिए संघ द्वारा समय दिया गया है। अगर समय रहते सरकार इस पर गौर करती है तो 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए चुरमिरी की जनता को बाध्य होना पड़ सकता है। कोरोना काल के बाद ये आंदोलन पुनः चालू हुआ, इसकी वजह क्या है? 17 अगस्त 2021 को हमने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था जी। फिर 5 जनवरी 2022 से कोरोना काल के बढ़ते प्रभाव के SDM साहब तहसीलदार के अनुरोध के बाद हमने अपने आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था। फिर पुनः हमने मार्च महीने से आवेदन करना शुरू किया कि हमको आंदोलन शुरू करना है, मगर उसकी परमिशन हमको नहीं मिल पाई थी। फिर उसके बाद 7 तारीख को बिना आवेदन किया, लेकिन हमने ये कहा था कि 1 अगस्त से अपना आंदोलन पूरा प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से अपना आंदोलन को हम पूरा प्रारंभ कर दिए हैं। हमारा सिर्फ एक सूत्र ही मांग है कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय का क्या स्थान होगा और चिरमिरी में जिला मुख्यालय अगर बनता है अगर क्यों नहीं बन पा रहा, इस विषय पर हम गंभीर हैं और यही हमारा स्थान। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग है कि हमारा चिरमिरी को जिला बनाया जाए, क्योंकि हमारा नगर निगम आपका क्षेत्र जिला घोषित हो चुका है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? कहाँ घोषित हो गया है, ऑफिस कैसे चले गए वहाँ आपका मनेंद्रगढ़ में? नहीं, आपका हाँ, जिला हाँ, घोषित है। हाँ। लेकिन आपका कार्यालय कहाँ बनेगा, मुख्यालय ये, हाँ, ये आप हमको दिया जाए। नहीं तो आपने क्या क्या मांग रखी इस संबंध में? हमने मांग रखा है कि हमको कौन कौन सा कार्यालय दिया जा रहा है। क्या क्या रखे आप, क्या क्या मांग रखे, बहुत जो जरूरी है? स्वास्थ्य का जिला मुख्यालय बनाया जाए, हॉस्पिटल, एक आपका जो इनका है कलेक्टर ऑफिस यही दिया जाए, एसटी ऑफिस दिया जाए। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हम अपना भूख हड़ताल में बैठेंगे, अगर नहीं मिलेगा माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत।
राजस्थान के दौसा रामगढ़ पछवारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम प्रधानाचार्य राम अवतार मीणा के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। प्रभुलाल शर्मा अकाउंट एंड इको क्लब इंचार्ज ने प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपने जन्मदिवस पर कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फिरोजाबाद के सरसागंज थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुआ और बाल बाल बच गया। मामला गुरुवार की दोपहर का है। सिरसागंज से शिकोहाबाद की ओर जा रही एक रोडवेज बस ने नगर के गुंजन चौक के समीप एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार प्रमोद चतुर्वेदी पुत्र जगदीश चतुर्वेदी निवासी बरनाहल थाना बरनाहल बाइक सहित गिर गया और मामूली रूप से घायल हो गया। बाइक का पिछला हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला SRN अस्पताल का है। करछना के रामपुर उपरहार निवासी गरीब बजरंगी यादव को पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। गरीब माँ बाप बेटे का शव कंधे पर रखकर भारी बारिश के बीच पैदल ही निकल पड़े। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा है। रामपुर उपरहार निवासी बजरंगी यादव के पुत्र शुभम की सोमवार को सेमराहा गांव में करंट से मौत हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम के लिए SRN लाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम हुआ। कागजी खानापूर्ति के बाद शव माँ बाप को सौंप दिया गया। वायरल वीडियो के मुताबिक शव ले जाने के लिए गरीब बजरंगी ने एम्बुलेंस की मांग की तो उससे पैसे मांगे गए। बजरंगी के पास देने को पैसे नहीं थे। मजबूरन उसने बेटे का शव कंधे पर लादा और पत्नी के साथ पैदल निकल पड़ा। बच्चे को कंधे पर ले जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की और उसको किसी तरह का शव वाहन नहीं मिला। तो ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जाँच करा ली जाएगी। यदि जाँच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का
पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।